अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज आपको जैसा नज़र ही आ रहा है, बैग उठाए हुए हैं तो बिल्कुल, क्योंकि जा रहे हैं वापस कश्मीर। अचानक से कुछ दो तीन काम पड़ गए तो इसलिए जो है ना कश्मीर जाना पड़ रहा है। जुनेद भी मेरे साथ है। जुनेद साहब इधर आए ना। हेलो। जुनेद भी जा रहा है अपने घर और मैं जा रहा हूँ अपने घर, तो थोड़े से काम करके कब तक वापस आना है? मंडे तो मंडे तक का ये ट्रिप है हमारा कश्मीर का। चलते हैं कश्मीर में, आपको दिखाएंगे वापस एक बार फिर से। तो अभी सीन ये है यार के जो है ना कश्मीर यहाँ से तकरीबन 3.5 घंटे लगेंगे। यार ये क्या आ जाते हैं यार, पिंडी का ये बहुत होता है, लॉग इन शूट करने दे रहे। जुनेद साहब लगाए ताला पिंडी की गलियों से कश्मीर के जो है ना सरसब्ज़ शादाब मैदान पहाड़ वहाँ तक का सफ़र दिखाएंगे आपको, साथ रहिएगा। अभी थोड़ा सा लेट हुए हैं इसलिए जो है ना जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, चलते हैं। जैसा कि आपको पता ही है जुनेद हमेशा से लेट उठता है, आज भी लेट ही उठा था तो इस वजह से जो है ना फिर लेट हो गए हम भी। अच्छा उठा, मैं लेट था, अलार्म इसका लेट बोला। तो मैं तो उठा हुआ था ना, मुझे अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई, 5 बजे उठ जाता हूँ। कहाँ पे होता है आपको भी पता है, तो मैं तुम्हारी वजह से रुका हुआ था ना। बंदा उठा सकता था? नहीं, मैं किसी की नींद नहीं खराब करवाना चाहता। मैं पड़ा वजी आजम लगा। चलें जी अभी चलते हैं ना बस स्टैंड पे, फिर देखते हैं आगे का क्या सीन। ये है जी मंडी मोड़। ओए इतनी धूल और इतना कुछ अजीब सा है ना यहाँ पे। क्या हुआ है? क्या हुआ है सरफराज का तो पता नहीं है, लेकिन पठान ने जरूर धोखा दे दिया यार। खैर कोई नहीं, चलते हैं अभी ना यहाँ से, अभी हमें पैदल जाना पड़े। चलो चलो तो जी अड्डे पे पहुँच गए हैं अभी हम, लारी अड्डा रावलपिंडी। गर्मी इतनी सख्त है, थोड़ा सा पैदल भी चलना पड़ा है और बहुत जो है ना इस वक्त हालात खराब हुई हुई है ना। हाँ अभी चलते हैं, पहले जुनेद की गाड़ी का पता करते हैं, फिर जो है इसको बिठाते हैं और फिर जो है अपनी गाड़ी का पता करके निकलते हैं। ये है जी लारी अड्डा रावलपिंडी। अपना स्टैंड कौन सा? मेरा स्टैंड है 7 नंबर। कहाँ पे? 7 नंबर स्टैंड है, आगे है काफ़ी। वो टिकट हो गया, मेरी गाड़ी जो है जाएगी 11 बजे और इस वक्त जो टाइम हुआ है 10:50 हो गए, तो 10 मिनट है मेरे पास, तब तक जो है जुनेद को उसके अड्डे पे छोड़ के आता हूँ मैं। हो गया जी दोनों का आखिरी कुछ लम्हात इकट्ठे बिता रहे हैं ना, तो आखिरी सोमवार को वापस आ जाएंगे, लेकिन एज यूजल मैं लेट हूँ आज के। सही है, 12 बजे जा रहा हूँ। मेरी गाड़ी पहले जा रही है, इसकी लेट है। ठीक है जी जुनेद भाई, मेरी गाड़ी जा रही है। गुड बाय। 2 hours later। तो जी पहुँच गए हैं वापस गांव में। रास्ते में मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि कम से कम 2-3 व्लॉग बने हुए हैं इस रास्ते के, तो अगर आप देखना चाहें तो वो जो है ना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक वहाँ से देख लीजिएगा। बैक टू होम टाउन। वो ये गिरने वाला था भाई। हाय हाय, चलें जी फाइनली वापस पहुंच ही गए हैं। देखें ग्रां कह रहा हूँ अपनी ज़बान में बोल दिया, गांव देखें। टॉमी को मैं नज़र आ गया भाई, टॉमी को मैं नज़र आ गया। अस्सलाम वालेकुम टॉमी। टॉमी ने पहचान लिया, लेकिन टॉमी को बांधा हुआ बहुत बुरे तरीके से, देखें कैसे वो चल रहा है। आए ये दुम इसीलिए ला रहा है कि इसको खोलें। आप अमरूद खा रहा हूँ, अंदर से देखें पिंक है, पिंक अमरूद भी अब दस्तयाब हो गए। देखें जी ये चेक करें, घर के बने हुए छल्ली। ऐसे में खाता नहीं होता, लेकिन आज ट्राई करते हैं। नींद आई हुई बहुत सख्त के साथ, थका हुआ सोने लगा फिर। सख्त नींद आई हुई है बहुत। ये लैटू वाला घर है, बटन नहीं देखो, यहाँ पे हो रही है शादी। ये
ये मेरे साथ दो लुगड़। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो यार असल में कल मैं वापस पहुंचा हूं, तो थकावट से जो है ना हालत बिल्कुल ख़राब हुई हुई थी, सो गया हूं, वीडियो नहीं बना सका। जो वीडियो बनाई है उनमें भी आपको पता है कि बोलना ही नहीं हो रहा था, इतना थका हुआ था, नींद आई हुई थी। लेकिन 10 घंटे की नींद पूरी करने के बाद अभी जब मैं उठा हूं तो मौसम देख के फ्रेश हो गया, कसम से कमाल का। हवा चल रही है सही, ठंडी, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी धूप है लेकिन गर्मी नहीं है, इतनी हरियाली है हर तरफ, सब कुछ सही है यार। यहाँ पर सिर्फ एक मसला है, हर घंटे के बाद लाइट चली जाती है। अब लाइट का क्या जुगाड़ करें कोई समझ नहीं आ रही। खैर अभी गुस्ल करते हैं, चलते हैं बाज़ार, दो तीन काम है वो करते हैं और जुम्मा भी पढ़ना है। चलें जी, तैयारी पकड़ ली है, चलते हैं बाज़ार। दोस्त को मैंने बोला तो दोस्त आता होगा, फिर जो है उसके साथ चलूँगा बाज़ार। तो जी बाज़ार से अभी वापस जा रहे हैं घर, और पैदल ही जा रहे हैं, रास्ते में रुके हैं, थोड़ी सी स्टिंग वगैरह पी रहे हैं। और ये हैं जी हमारे अदरीस भाई, हमारे गांव की रौनक और हाफिज़े कुरान है माशाल्लाह, इन्होंने हिफ्स किया हुआ है और उम्मीद है कि हमें जन्नत में साथ लेके जाएंगे ज़रूर। क्यों जी तबेदार? ये हैं जी अदरीस भाई। तो अभी चलते हैं वापस घर, और व्लाग को मैं जो है ना यहीं पर एंड करूँगा, क्योंकि व्लाग काफ़ी बड़ा हो गया मेरे ख्याल से। तो अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।